टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मुमरा कौसा में अब राजनीतिक गलियारों में एक दूसरे को पार्टी से जोड़ने की कोशिशें तेज हो रही हैं। बीजेपी पार्टी की रीदा रशीद का भी मुमरा के संजय नगर इलाके में खास करके महिलाओं में अच्छी खासी पकड़ है, और शायद यही वजह है कि रीदा रशीद को एनसीपी पार्टी में शामिल करने की अटकलें अब सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि रीदा रशीद का एनसीपी में शामिल होने का इशारा एनसीपी के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने दिया है। 26 जनवरी के मौके पर रीदा रशीद ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम के आयोजन में शमीम खान पहुंचे थे। इस दौरान शमीम खान ने कहा कि रीदा रशीद को मैं बीजेपी का नहीं मानता हूं। साथ ही ये भी कहा कि एनसीपी पार्टी को आप जैसी महिलाओं की ज़रूरत है। मगर वहीं रीदा रशीद ने एनसीपी पार्टी में शामिल होने को लेकर इनकार किया है और उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि वो सिर्फ काम पर विश्वास रखती हैं। वैसे इस राजनीतिक गणित में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक और एक दो होते हैं या फिर एक और एक 11, कुछ भी हो सकता है। सुनिए शमीम खान ने क्या कुछ कहा, उसके बाद रीदा रशीद ने क्या कुछ कहा। मैं तो जब भी आता हूँ उनसे मिलता हूँ तो मैं तो यही कहता हूँ कि मैडम, मैं डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब को, इस पार्टी को आप जैसे महिला की ज़रूरत है, जो हम सब के साथ, हम आपके साथ मिल करके इस शहर का जो विकास का काम कुछ अधूरा रह गया है, इंशाल्लाह ताला डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब के नेतृत्व में उसे हम अदा करें। ये तो हम मैडम से आज 26 जनवरी के इस मौके पर हम दावत देते हैं मैडम को। कहीं ना कहीं आने वाले मनपा चुनाव को लेकर रीदा मैडम ने एक क्रिकेट का आयोजन भी किया था, उसमें भी आप गए थे, तो ये इस तरीके का जो चर्चा है अभी होने लगी है कि रीदा मैडम हो सकती है कि अगली कैंडिडेट वो एनसीपी की हो सकती है। देखिए, इसका डिसीजन तो मिनिस्टर साहब लेंगे। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, एक उनका सिपाही हूँ, मेरे बॉस है वो। लेकिन रही बात मैडम की, तो राष्ट्रवादी पार्टी हर किसी को मौका देगी, ऐसे लोगों को जो अपने वार्ड में और अपने संगठन में और पार्टी को लेकर के एक्टिव रहे, और पार्टी का जो फैसला होगा उसे हमें मानने होगा। पहले वो एक अर्शिया वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरमैन है, समाज सेविका है, ऐसी लेडीज़ का के कामों की मैं सराहना करता हूँ। और फिर कह के जा रहा हूँ मैं आपको कि आज इस 26 जनवरी के इस दिवस के मौके पे मैं मैडम को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ऐसी कार्यकर्ताओं की, ऐसे नेताओं की ज़रूरत है, मैं उनको आज इन्वाइट करके जा रहा हूँ। यहाँ कहेंगी रीदा मैडम क्या कहेंगी, सरगर्मी तेज हो रही है आने वाले मनपा चुनाव को लेकर, कहीं ये तो नहीं है कि अगली कैंडिडेट आप एनसीपी की होंगी? देखिए, आज का दिन है, आज का सेलिब्रेशन का दिन है, और आज बोले ना, आज का दिन और जब भी देश की बात आएगी और इस मिट्टी की बात आएगी तो मैं सभी के साथ हूँ। सभी के साथ मतलब सभी के साथ हूँ, मेरे लिए कोई पार्टी नहीं है, जब मेरा देश है। तो मेरे को लगता है आज का दिन और शमीम जी आए और सभी आए, उन लोगों का सभी का धन्यवाद। और क्या है, जब भी मेरा कुछ काम होता है, जब भी सोशल कुछ करती हूँ और सभी साथ देते हैं, उसमें शमीम जी बढ़ चढ़ के मुझे सपोर्ट करते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। तो आज के प्लेटफॉर्म के लिए मैं यही बोलूँगी, क्या सभी आए और सभी ने साथ दिया और देश के लिए इसी तरीके से हम मिलजुल के सब लोग काम करें। आगे चल के भी आप बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे? मैं बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में भी कर रही हूँ और मैं अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन के रूप में, तो आप लोगों को पता है कितना काम कर रही हूँ।